गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फाइव आई डी ए कुमार वर्मा डिस्कस अबाउट चैप्टर सिक्स सेफ्टी एंड फर्स्ट एड इन साइंस। आज हम लोग चैप्टर सिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सेफ्टी और फर्स्ट एड क्या है। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा और फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक उपचार। तो सुरक्षा किस चीज से हमको करनी होगी? तो सुरक्षा एक्सीडेंट से होता है, एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना। तो मैंने पहला लाइन ही दिया कि एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर विदाउट इंफॉर्मेशन एनीवेयर। एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती है, कहीं भी होती है, इसकी कोई जानकारी नहीं होती। किस समय होती है इसकी कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन दुर्घटना घट जाती है। तभी विदाउट इंफॉर्मेशन एक्सीडेंट अगर एनीवेयर एनी टाइम इफ वी आर नॉट केयरफुल, जब हम लोग सावधान नहीं रहते हैं, असावधानी मोड में रहते हैं, तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। इसमें कहावत भी है, जब रोड पे क्रॉस करते हैं तो बराबर आपके साइड रोड में फुटपाथ पे बोर्ड पे लिखा रहता है ध्यान हटी दुर्घटना घटी, यानी आपका ध्यान यानी आप केयरलेस हो जाते हैं। केयरलेस का मतलब होता है असावधानी मोड में आ जाते हैं तो आपके साथ दुर्घटना घट जाती है। इसलिए उस दुर्घटना ना घटे ना घटित हो उसके लिए कुछ हमें सेफ्टी रूल को फॉलो करना होगा, अपनाना होगा। तो यह दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, ऑन रोड, एट होम, इन प्लेग्राउंड, इन क्लासरूम्स, इन रूफ, एनीवेयर, कहीं भी दुर्घटनाएं हो सकती है, इन रूम कहीं भी हो सकती है। तो सबसे पहले इस रूल को फॉलो करने के लिए हमको क्या क्या चीज की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे साथ दुर्घटना ना घटे, उसकी कुछ पॉइंट आपको बताए गए हैं। सबसे पहले देखिए कहता है, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट वी शुड नो अबाउट द फर्स्ट एड टू प्रोवाइड टू द एक्सीडेंटल विक्टिम्स सो दैट द इंजर्ड पर्सन। तो अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट के बाद क्या उपाय होना चाहिए, कौन से नियम को फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी जानकारी हमको होना चाहिए। अगर रोड पे आप जा रहे हैं, आपके किसी कलीग का एक्सीडेंट हो जाता है, साइकिल से गिर जाती है, साइकिल साइकिल में टक्कर होती है, मोटरसाइकिल में साइकिल में टक्कर हो जाती है, आपके सामने हो जाती है, आप उस समय क्या कर सकते हैं? कुछ रूल को फॉलो करना है और उस फॉलो करने के बाद जो उसको कुछ समय के लिए हम राहत देते हैं, कुछ उपाय करते हैं जिसे उस एक्सीडेंट का कुछ समय के लिए उसको दिक्कत ना होती है, तो वो जो उपाय हम करते हैं वही कहलाता है फर्स्ट एड, यानी जिसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले सेफ्टी रूल, सेफ्टी ऑन द रोड, सड़क पे सुरक्षा। तो सड़क पे सुरक्षा कैसी होनी चाहिए इसके बारे में पढ़े जाना। फर्स्ट पॉइंट, बिफोर क्रॉसिंग द रोड चेक प्रॉपर्ली दैट नो व्हीकल्स इज कमिंग फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। जब रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉसिंग से पहले आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, सावधान होना होगा कि क्रॉसिंग से पहले आप दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट एंड राइट, दोनों डायरेक्शन में आपको इधर डायरेक्शन लेफ्ट तो राइट फिर लेफ्ट फिर राइट देखकर रोड को क्रॉस करना चाहिए। देखना होगा कि कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, लेफ्ट से आ रही है कि राइट से आ रही है, वो मेंटेन करके ही आपको
रोड को क्रॉस करना चाहिए। दूसरा, क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग मोस्टली फाउंड इन द ट्रैफिक साइड, ज्यादा जहां पर ट्रैफिक रहता है वहां पर पाया जाता है, बनाया जाता है। ये जेब्रा क्रॉसिंग यानी ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रीट पट्टी नुमा बना रोड पे जेब्रे के कलर का, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक। तो जब ये रोड क्रॉस करना हो तो आप उस जेब्रा क्रॉस को देख लीजिए। जेब्रा क्रॉस के नजदीक होता है कि अच्छे अच्छे गाड़ी, जितनी भी गाड़ी होती है स्पीड वाली गाड़ी, सारी गाड़ी उस क्रॉसिंग को देखकर ऐसे ही उनकी गति धीरे हो जाती है। तो जब भी आपको रोड क्रॉस करना पड़े तो जेब्रा क्रॉसिंग से पास करना चाहिए। अगर मान लो कि जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, आप रोड पार करना है, तो कहीं ऐसा भी होता है कि जाने का रोड क्रॉस करने के लिए ओवर ब्रिज बनाया जाता है या अंडरग्राउंड टनल नुमा बनाया जाता है कि रोड ऊपर से नीचे जाने का रास्ता। तो ये सारी सावधानी को भी हमको नियंत्रित देखना है और उसके बाद भी हम सावधान होकर आपको रोड क्रॉसिंग करनी। फिर कहता निवर प्ले ऑन द रोड। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, फिर भी थोड़े से अच्छे होते हैं। रोड पार रोड पे कभी भी बच्चे को खेल कूद नहीं करना चाहिए, दौड़ धूप नहीं करनी चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे जैसे आप स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल आते हैं या स्कूल के समय से घर में लौटते हैं, भीड़ रहती है, सब दोस्तों हंसी मजाक करके उसको धक्का पुश करना, उधर पुश करना। तो ये जो रोड पे हमको नहीं करना चाहिए। आप किसी को धक्का दे रहे हैं, उधर से गाड़ी पास कर, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सारी आगामी होनी, सावधानी होनी चाहिए कि रोड क्रॉस करते वक्त हमको ध्यान देना होगा कि रोड पे नहीं चलना चाहिए, नहीं दौड़ना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। ये सारी हमको सावधानी को देखना। फिर कहता है रीड द रोड सिग्नल प्रॉपर्ली एंड टू द अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन द इंपैक्ट। आपकी किताब में दिया हुआ है, हम रोड पे साइड पे कुछ प्रॉपर सिंबल दिए हुए रहते हैं, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना, यहाँ पे बच्चे का स्कूल है, यहाँ पे बैलगाड़ी नहीं जाना, ये केवल एक साइड रोड पे वन वे है, उधर से डाउन वाली रोड नहीं। ये सारे आपके बुक में दिए हुए सैंपल, तो उस सैंपल को कम से कम आपको याद कर लेना चाहिए कि रोड पे चलते वक्त ये सारे सैंपल को देखना होता है। आप जा रहे थे जी, गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, बगल में स्कूल है, स्कूल है तो बच्चे अप डाउन करते ही होंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको जानकारी होनी चाहिए और ट्रैफिक रूल के सारे इंफॉर्मेशन उसके अप्लाई करने होने चाहिए। रेड सिग्नल का मीन्स क्या होता है, ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या होता है, येलो सिग्नल का मतलब, ये सारी हमको जानकारी होनी चाहिए। क्राइम में अब उसके बाद आता है सेफ्टी एट होम। घर पर क्या सेफ्टी होना, कहते तो घर है लेकिन घर दुर्घटना का सबसे बड़ा केंद्र घर भी होता है। इसमें मैंने बता भी देता हूँ, डोंट प्ले ऑन द बेड, ऑन द टेबल, ऑन द स्टेयर, ऑन द चेयर, ऑन द रूफ, ऑन द बरंडा, ऑन द ड्रेसर, ये सारी जगह पर आपको खेल कूद नहीं करनी चाहिए। बेड पे कर रहे हैं, बेड टूट जाएगा, कुर्सी कर रहे हैं, कुर्सी टूट जाएगी, गिर जाएगा, हाथ टूट जाएगा, चुप कर जाएगी, आपका शरीर डैमेज हो जाएगा, पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, बहुत सी दुर्घटनाएं हो सकती। बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, थोड़ा सा कभी कच्चे होते हैं, ट्वाइस खेलते हैं, खेलते खेलते वही पर स्क्रैचिंग करते हैं, फ्लोर पर डाल देते हैं। बड़े आदमी आते हैं, उनका ध्यान आगे की ओर रहता है, नीचे फर्श पर देखते नहीं, पाँव पड़ जाती है उस ट्वाइस पर। अब ट्वाइस क्या चीज का बना हुआ है, वुड का, प्लास्टिक का, ग्लास का, क्या चीज का बना हुआ। अगर वो टूट जाएगा पैर में चुप जाएंगे, आप हट हो जाएगा, बच्चे का हो जाएगा, स्क्रैचिंग नहीं करनी चाहिए। तो जो भी सामान हो, चाहे बुक हो, चाहे ट्वाइस हो, या और भी कोई सामान हो ऐसा जो हमारा नुकसान दे हो, उनको फ्लोर पर स्क्रैचिंग नहीं करना चाहिए, छिद्रार्थन नहीं रहना, उनको प्रॉपर पैलेस में रखना चाहिए, जहाँ पर प्लेस में, जहाँ पर उस स्थान पर कपबोर्ड अलमारी में रख दिया, ट्वाइस उसको अलमारी में रख दिया, है नॉट स्क्रैचिंग ऑन द फ्लोर, जमीन पर फर्श पर नहीं फेंकना चाहिए। फिर कहता है निवर प्ले ऑन द स्टेयर, ट्रेस या अदर एलिवेटेड प्लेस,
बिकॉज फॉलिंग डाउन फ्रॉम दिस मे काउज सेल्फ इंजरी। हम पहले बता दिया था किसी ऐसे जगह घर पर नहीं खेलिए कि नुकसान आपका हो। दौड़ना धूपना सीढ़ी पर अप डाउन करना, दौड़ना उसको पकड़ना उसको पुश करना उसको खींचना, ये सारे चीज नहीं होनी चाहिए। न ट्रेस ऊपर में बालकोनी पर होना चाहिए, छत पर होना चाहिए, तो ये जगह पर नहीं होनी चाहिए। अगर आप गिर जाते हैं थोड़ी सी आप सावधानी होगी, आप हार्ड हो जाएगा, चोट हो जाएगा, आपका शरीर का कौन सा पार्ट डैमेज हो जाएगा, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, सर में चोट आ जाएगा, क्या है इसको पता नहीं, फॉलो करना होगा। उसके बाद कहता है नेवर प्ले विद दिस शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ ब्लेड्स, प्लेइंग विद दिस ऑब्जेक्ट दैट यू हर्ट एंड कॉज टेंशन। कोई ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ छेड़छाड़ खेल नहीं करनी चाहिए। चाकू है, घर में स्टाइल बॉक्स का प्रकार होता है, नुकीला चीज होता है, ब्लेड होता है, नेल होता है, ये सब चीजों से खेल नहीं होनी चाहिए। अगर हाथ कट जाते हैं, छट जाते हैं, तो ब्लड का तो बाहर आना, ब्लीडिंग होना है, हो सकता है काउज आपको टेटनेस का भी रोग हो सकता है, बीमारी हो सकती है। तो हम क्यों ऐसा काम करें, इसके साथ हम क्यों खेले, ये सारी चीज पर ध्यान देना। उसके बाद कहता है इन केस ऑफ ए गैस लीक्स ओपन एयर एट द डोर एंड विंडो योर होम, डोंट स्विच ऑन द लाइट बिफोर योर एल्डर इमीडिएटली कॉल ए मैकेनिक टू रिपेयर द लीक। घर में अगर गैस लीक हो रही है, गैस का स्मेल आ रहा है, बहुत आ रहा है, गैस लीक हो रही है, तो थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी होगी। ऐसा नहीं गैस